सब आपसे एक बच्चा पूछता है ये अंकल ये साइंस क्या है देखते हैं कि साइंस बुनियादी तौर पर अगर बच्चे को भी समझाना हो तो हम क्या समझाएंगे उसे हम कहेंगे कि साइंस जो है ये इल्म होता है लेकिन आम इल्म से हट के ये वो वाला इल्म है जो हम ऑब्जर्वेशन और इन्वेस्टिगेशन इन दो चीज़ों से हासिल करते हैं यानी हम देखते हैं किसी चीज़ को उससे जो नॉलेज हम लेते हैं उसे हम अपने पास नोट कर लें और फिर हम उसकी तहकीक करें कि जो हमने देखा वो सही है गलत है क्यों है कैसे है कितना है जो ही हम किसी चीज़ के बारे में ये जानने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ साइंस का इल्म बन जाती है जैसे हलवा एक बंदा खा रहा है एक बच्चा हलवा खा रहा है तो जब तक वो हलवा खा रहा है तब तक वो एक आम काम कर रहे हैं लेकिन जो ही वो पूछता है अपनी माँ से या अपने बाप से या अपने किसी चचा से कि ये हलवा कैसे बनता है तो ज़रा की वर्ड को जहन में रखिएगा कैसे ये वर्ड जहाँ आता है ना वहाँ जो चीज़ घुस के आती है वो साइंस है जब आप उसे बताएंगे ना ये कैसे बनता है और अगर वो पूछता है क्यों ये सूरज क्यों रोज चढ़ता है अगर आप इस क्यों का जवाब देना शुरू करते हैं और तो ये आप उसको साइंस की तरफ जो है ये लेके जा रहे हैं अगर बच्चा पूछता है कि ये फूल कैसे आ गया तो हम उसे ये अल्लाह ने पैदा किया अल्लाह की मर्जी से हुआ लेकिन हुआ कैसे ये साइंस है यानी हो का जवाब कि ये हो कैसे जाता है जैसे मुझे जी उसका तल्लक है तो हाँ यस क्यों दोनों का काबिली जायजा जैसे कि आपने बताया था कि उन्होंने आयत कहीं थी अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया और ये फूल पैदा हुआ इन्हें अल्लाह ताला ने कायनात इसलिए तो पैदा किया गौर फिक्र किया जाए जी बिल्कुल मैं जो है ये बहुत छोटा था तो मेरे एक मैंने अपने अंकल से पूछा कि ये साइंस क्या है याद लेकिन मुझे इतना सा हल्का फुल्का याद है कि मैं उस वक्त कोई 1-2 क्लास के राउंड अबाउट कहीं था और मैं बड़े सवाल पूछता था बहुत सवाल पूछता था तो मैंने अपने वो अंकल थे मैंने उनसे पूछा ये साइंस क्या है तो उन्होंने देखे मुझे जो जवाब दिया मैं उस वक्त अंडा खा रहा था मेरे हाथ में अंडा पकड़ा हुआ था उन्होंने मुझे कहा अंडा खा लो मैंने अंडा खा लिया उन्होंने कहा अंडा खा लो फिर जवाब देता हूँ मैंने अंडा खा लिया तो उन्होंने कहा ये अंडा कहाँ गया मैंने कहा अंडा मेरे पेट में चला गया उन्होंने कहा पेट में जाने के बाद क्या होगा इसके साथ मैंने कहा पेट में जाने के बाद ये मेरे बॉडी में चला जाएगा जिसमें कहीं जाएगा उन्होंने कहा वेरी गुड अच्छा जी सामने छुरी पड़ी हुई थी उन्होंने छुरी पकड़ी उन्होंने कहा अगर मैं यहाँ कट लगाऊँ तो यहाँ से अंडा बाहर आएगा मैंने कहा नहीं अंडा कब आएगा यहाँ से तो खून बाहर आएगा उन्होंने कहा हैं खाते अंडे हो और खून कहाँ से आ जाता है खून कभी खाया मैंने कहा नहीं कभी नहीं खाया ये कहाँ से आ जाता है मैंने कहा मुझे क्या बताओ कहते अंडा खाया खून आया इसका मतलब है अंडे और खून में कोई ताल्लुक तो है ना सोचो क्या ताल्लुक है मैं थोड़ा सोचा और मैंने कहा मेरा ख्याल है कि ये जो अंडा है ना अंदर जाके खून बन जाता है उन्होंने कहा बस ये कैसे बन जाता है अगर ये जान लो तो इसका नाम साइंस है